गुंजन, ये क्या पागलपन है? क्या है ना मौसीमा, राख जो होती है वो हीट की बहुत ही बुरी कंडक्टर होती है। अगर उसे पैरों पे अच्छे से मल लो तो अंगारों की जो गर्मी है वो पैरों तक पहुंचती ही नहीं है। मौसीमा, ये ही एक तरीका है गुरुजी का भांडा फोड़ने का, वरना मम्मी जी और मयंक उनका अंधविश्वास कभी नहीं टूटेगा। अपनी जान जोखिम में डाल रही है, दीदी से बोलते क्यों नहीं? कोई उसे रोकता क्यों नहीं? ये हंगामा है, उसको जला डालेंगे। गुरुजी कुछ क्यों नहीं कहते? ठीक तो ना? हाँ। गुंजन बिटिया, यहाँ कोमल घास पर अपने पांव रख लो, आराम मिलेगा। ये सब बेकार में किया तुमने गुंजन बिटिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर एक बात तुमने फिर से साबित कर दी। चाको राखे साइया मार सके ना कोई। मेरे भक्तजनों, आज यहां पर जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। मेरी भक्ति के लिए किसी को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गुंजन बिटिया को अपना भक्त नहीं परम भक्त मानता। गुरुजी, आपने मुझे अपना परम भक्त बनाया, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा समय आपकी सेवा में लगा दूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज से इस आश्रम की सफाई का कार्य आप मुझे सौंपते। मैं 24 घंटे आपकी सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी। गुंजन बिटिया, तुम्हारा सेवा भाव से ऐसा निवेदन मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? आज से हमारे आश्रम की साफ सफाई का जिम्मा गुंजन बिटिया को मिलता है। भक्त, गुंजन बिटिया के लिए लेप लेकर आओ। आज मैं सबके सामने उसी सर्वशक्तिशाली प्रभु की इच्छा सुना रहा, और प्रभु की इच्छा है कि कल दसवीं देवी हमें दर्शन दें और हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कल्याण हो। गुरु परमानंद जी की, गुरु परमानंद जी की, गुरु परमानंद जी की। कौन है ये दसवीं देवी? क्या है इसका रहस्य? ये परम भक्त गुंजन जानकर ही रहेगी, और चाहे कुछ भी हो जाए इस पाखंडी गुरुजी का पर्दाफाश करके रहेगी।